हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारी 45 डेज वेट लॉस चैलेंज फॉर डे नंबर 19। सो वही हम सबसे पहले फॉलो करेंगे अपनी स्ट्रेचिंग, जो कि हम करेंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए। आप चाहे तो अपना टाइम इंक्रीज भी कर सकते हो स्ट्रेचिंग के लिए। एंड गाइस, स्ट्रेचिंग जब आप करते हो ना, जितना हो सके अपनी बॉडी को उतने अच्छे से स्ट्रेच करो, बहुत मजा आएगा फिर आपको वर्कआउट करने में। बिकॉज स्ट्रेचिंग करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा फील होगा बॉडी को ना, एंड आप रेडी हो जाओगे वर्कआउट के लिए। तो स्ट्रेचिंग करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिफोर डूइंग एनी वर्कआउट। और उसके बाद देन हम फॉलो करेंगे अपना आज का वर्कआउट। सो आज का जो वर्कआउट रहेगा वही हमारे फुल बॉडी फैट लॉस के लिए, और हमारा फोकस रहेगा टमी बेली फैट के ऊपर। और बाकी जितनी भी एक्सरसाइज के सेट्स रेपिटेशंस हैं, सब कुछ मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया, सो दैट आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। और गाइस, एक चीज और, आप लोग अगर, मैं जैसे कि 2 सेट्स करती हूँ, मैक्सिमम 3 करती हूँ, और मेरे जो रेपिटेशंस रहते हैं 25 to 30 रहते हैं, तो अगर आप इतने नहीं लगा सकते तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है कस्टमाइज कर सकते हो। बिकॉज इनिशियली जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा था तो मैं हर एक एक्सरसाइज का सिर्फ 1 सेट लगाती थी, वो भी 10 रेपिटेशंस के साथ। उससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाता, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो अ बिगिनर। सो आप लोग भी अभी बिगिनर हैं तो आप मैक्सिमम 2 सेट्स जरूर लगाएं 10 रेपिटेशंस की। और बाकी अगर आप ज्यादा लगा सकते हो तो आप 12 भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली जो है कस्टमाइज करो, आपको बहुत मजा आएगा वर्कआउट करने में। और गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे ये वर्कआउट चैलेंजेस वाली वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो। इसी तरीके से गाइस मुझे मोटिवेट करते रहिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मैं रीड आउट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैलेंज को फिनिश करने के बाद देन हम दोबारा नेक्स्ट चैलेंज लेकर आएंगे। बिकॉज चैलेंजेस से गाइस हमें काफी अच्छा एक रिजल्ट मिलता है, बिकॉज हमें पता होता है कि हम अपना वेट लॉस जर्नी में चल रहे हैं, तो इसलिए हमें देखकर ही खाना है और अपना वर्कआउट अच्छा रखना है। तो मुझे तो काफी मजा आता है। और नॉर्मल डेज में क्या होगा कि हम डेली, हमारा ऐसा हो जाएगा कि चीट डे हो ही जाएगा, कि कोई नहीं ना, थोड़ा सा खा जाते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, इतना सा खाने से वेट लॉस, वो वेट गेन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो हमारी ये थिंकिंग रहती है। तो चैलेंजेस जरूर करें, अपने लिए खुद चैलेंज बनाएं। और इसी तरीके से गाइस मेरी चैलेंजेस वीडियोस को फॉलो करें, काफी मजा आ रहा है मुझे वर्कआउट करने में, आप लोगों के साथ शेयर करने में। और गाइस, आजकल एक्चुअली ना मेरा मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल हो जाता है। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी वर्कआउट करूँ ना तो पीस के साथ करूँ, पीसफुली करूँ, और एक अच्छा अपना टाइम देके करूँ। बिकॉज मेरा वर्कआउट जो रहता है मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स का रहता है। तो मॉर्निंग में क्या होता है गाइज, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनका मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रिपेयर करना होता है। डॉटर स्कूल जाती है, वो 7 o'clock निकल जाती है, तो उसका भी मुझे जल्दी जो है सब कुछ बनाना पड़ता है, लंच ब्रेकफास्ट वगैरह। देन उसके 2 lunch boxes जाते हैं तो इसलिए वो भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं। देन उसी बीच मेरी डॉटर भी उठ जाती है तो उसको भी दूध वगैरह देना, उसको पैम्पर करना, बिकॉज मॉर्निंग टाइम पे बच्चे क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लम्सी हो जाते हैं। और उसके बाद गाइस मुझे अपने इन लॉस का भी ब्रेकफास्ट रेडी करना था, अपना भी ब्रेकफास्ट रेडी करना था, तो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे इस बीच में बिल्कुल मेरा बिजी स्केड्यूल होता है मॉर्निंग के टाइम में, तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं वर्कआउट करने का। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी वर्कआउट करूँ तो अच्छे से, आराम से, पीसफुली और तसल्ली के साथ करूँ। तो इस वजह से अब मैंने अपना वर्कआउट का टाइम जो है चेंज कर दिया है मॉर्निंग से। मेरा जो वर्कआउट का टाइम रहता है, मैं 11:30 AM करती हूँ, जिसमें मेरा जो है 12:15 तक जो है 12:15 or 12:20-12:25 तक मेरा इतना वर्कआउट जरूर चलता ही चलता है। क्योंकि उस बीच में क्या होता है कि मेरी यंगर जो डॉटर है ना, वो एक स्मॉल नैप ले लेती है, तो उस टाइम पे मैं अच्छे से वर्कआउट कर लेती हूँ। इन लॉज भी उसके साथ जो है सो जाते हैं, वो भी सो जाती है, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उस टाइम पे वर्कआउट करने में, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और जैसे कि मैं क्या करती हूँ गाइज, मेरा ब्रेकफास्ट जो होता है 8 to 8:30 के बीच में हो जाता है। तो जैसे कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मेरा 8 to 8:30 के बीच में हुआ, तो उसके बाद मेरा क्या होता है कि मैं एटलीस्ट 3 hours का जो है ब्रेक जरूर रखती हूँ अपना वर्कआउट का टाइम और ब्रेकफास्ट का टाइम, जैसे कि 3 hours मेरा पूरा हो जाता है। बिकॉज गाइस, जब भी आप एक हैवी मील लेते हो ना, तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 hours का ब्रेक जरूर लेना चाहिए, डायरेक्ट आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। और अगर आप जैसे मॉर्निंग में अर्ली, मतलब मॉर्निंग में आप वर्कआउट करने वाले लोग हो, तो आप जो है लाइक 1 banana ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद वर्कआउट कर सकते हो, या फिर जैसे कि अपना लीफॉर्म वाटर या फिर जीरा वाटर, ये सब लेने के बाद आप डायरेक्ट वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन एक हैवी मील लेने के बाद एक अच्छा आपको ब्रेक रखना होता है, तो इसलिए। एंड गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा अर्ली डिनर हो जाता है 7 to 7:30 के बीच में, तो इसलिए मुझे नेक्स्ट डे तक मेरी जो है 12 to 13 hours की फास्टिंग हो जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। एंड फिर मुझे मॉर्निंग में काफ़ी भूख भी लगने लग जाती है 8 to 8:30 बजे तक ना, तो फिर मैं अपना एक अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ।
गाइस एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि आप ये भी जरूर बताएं कि आप कितने मतलब हर एक एक्सरसाइज के बाद कितना जो है ब्रेक लेते हो। तो मैं एटलीस्ट मेरा 1 मिनट का तो ब्रेक होता ही होता है। और ये भी पूछा था कि आप पानी कितना पीते हो, तो मेरा एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर तक पानी हो जाता है। समटाइम्स 2 हो पाता है, 2.5 नहीं हो पाता। तो लेकिन आप जरूर पिए गाइस 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर लीजिए, बिकॉज वाटर इनटेक अच्छा रखना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। और नॉर्मली भी आपको वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वाटर इनटेक से हमारा जो है टॉक्सिन्स बाहर आते हैं और हमारे को वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। बाकी गाइस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है वर्कआउट करते टाइम और वेट लॉस जर्नी के टाइम पे। और बाकी इसी तरीके से जो है मैं आपके लिए वर्कआउट लेते आते रहूँगी, चैलेंजेस न्यू न्यू चैलेंजेस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और आप इसी तरीके से जो है मुझे प्यार देते रहिए, काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो। तो जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज आके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, सो दैट आप लोगों को टाइमली जो है मेरा वर्कआउट का वीडियो मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं आज का वर्कआउट, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज की अपनी फुल डे की डाइट, थ्रू आउट द डे मैंने क्या क्या खाया, और मैं टाइमिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बिकॉज मुझे ये भी पूछा जाता है कि आप टाइमिंग्स भी जरूर शेयर किया करें कि आप किस टाइम पे क्या क्या खा रहे हैं। तो चलिए फिर मैं इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज की अपनी डाइट।
चलिए शेयर करती हूँ आज की अपनी फुल डे की डाइट। सो मॉर्निंग मैंने यहाँ पर लिया था लिक्विड वाटर, जो कि मैं 6 बजे और 6:15 के बीच में लेती हूँ उठते ही, मतलब मैं लिक्विड वाटर पीती हूँ। देन उसके बाद मैं 7 बजे के आसपास लेती हूँ अपने ये भिगोए हुए आलमंड्स ओवरनाइट सोक जो करके रखते हैं। देन ब्रेकफास्ट में मैंने आज मैक्रोनी ली थी, तो मैक्रोनी मैंने एक्चुअली सबके लिए बनाई थी तो मैंने भी वही खा ली थी जो कि मैंने करी थी। 8:30 बजे मेरा जो है ब्रेकफास्ट हुआ था। देन उसके बाद मैंने अपना वर्कआउट फिनिश करने के बाद हाफ एन आवर के बाद मैंने यहाँ पर क्यूकम्बर खाया था, जिसके ऊपर मैंने चाट मसाला और लेमन स्क्वीज करा था। तो ये मेरा 12:30 से 1 बजे के बीच में होता है। देन 2 से 2:30 बजे के बीच में मेरा लंच होता है, तो लंच में मैंने यहाँ पर लिया था भिंडी की सब्जी, वन चपाती, कर्ड और चने, ब्लैक चने जो होते हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस मील आप लोग खाइए, तो लंच मेरा 2 से 2:30 बजे के बीच में हो जाता है गाइज। और आप देख सकते हो इसमें हमारे पास फाइबर भी है, कार्ब्स भी हैं, प्रोबायोटिक्स भी है। और गाइस जो मेरी रोटी रहती है ये मल्टीग्रेन रोटी है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। देन 4:30 बजे के आसपास जो है मैं अपनी ये टी लेती हूँ जो कि रहती है विदाउट शुगर। और टी के साथ मैं क्या लेती हूँ ये मैंने काफी ऑप्शंस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो आज मैंने यहाँ पर जो है बिल्कुल हल्के से घी में ना यहाँ पर रोस्ट करी थी पीनट्स, जिसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था जिसपे एक टेस्ट इनहांस हो जाती है डिनर की। तो डिनर गाइस मेरा हो जाता है 7 to 7:30 के बीच में। एंड डिनर में मैंने यहाँ पर लिया था दलिया खिचड़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने दलिया लिया था और साथ में मैंने स्प्लिट वाली मूंग दाल डाली थी, जिसमें मैंने कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, अनियन, टमाटोज ये सब डाला था, और साथ में मैंने लिया था मैंगो पिकल। तो इस तरीके से जो हमारा डिनर है जिसमें हमें प्रोटीन और फाइबर दोनों अच्छा मिला। और ये है आज की हमारी फुल डे की डाइट। सो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।